हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक अनदर न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही खास है दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों, आज जो है हम लोग बाहर जाने वाले हैं। बोले तो एक्चुअली हम अभी एग्जैक्टली इंडिया में नहीं है, हम अभी नेपाल में हैं। हम जो है अभी इधर नेपाल में आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि हमको प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है? हमारा तबीयत ख़राब है, इसलिए हम इधर नेपाल में आए हुए हैं अपना ट्रीटमेंट कराने। तो सुबह सुबह आज ब्लॉग शूट कर रहे हैं और अभी हम खा रहे हैं दही। दही खाएंगे। तो हमारा जो मम्मी है वो हमको सुबह सुबह दही खिला दी है। अब बोलते हैं ना कि जो यात्रा करना है तो दही खा के जाना चाहिए, ताकि काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो हो गया, ठीक है। तो अब हम जाएंगे धरान। कहाँ जाना है? धरान। अभी अभी घर पे हैं, नहा धोवा के सब रेडी हो चुके हैं, एक घंटा पहले उठे हैं, ठीक है। तो अभी हमको जाना है धरान, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा जो है क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ा हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए आज जाना पड़ेगा धरान हॉस्पिटल में। वहाँ पे डॉक्टर साहब जो है डायलिसिस करेंगे आज, ठीक है। तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था आकाश शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल पे, और ब्लॉग भी मैं शूट नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा तबीयत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, ठीक है। तो आज दोस्तों फाइनली जो है मेरा मामा जो है वो डॉक्टर है, तो वहीं पे हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में। आज हमको जाना है, ठीक है। तो हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे अभी ट्रीटमेंट वहीं पे आज से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जितना पॉसिबल होगा आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए ब्लॉग पे। या चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे धमाकेदार वीडियोज़ जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलता रहे, ठीक है गाइस। तो हम लोग चलते हैं, आपको रास्ते में दिखाएंगे धरान जाते वक्त जो है इठहरी पड़ता है धरान हॉस्पिटल कैसा है। तो दोस्तों हम लोग जो है अभी अभी दुतल्ला पे थे, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग नीचे आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं धरान, ठीक है। तो धरान जाएंगे, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे साथ मेरा मम्मी जा रही है और ठीक है, तो जाएंगे और आपको दिखाएंगे रास्ते में क्या कुछ होता है, ठीक है। तो दोस्तों लेट्स गो, चलते हैं अभी बस स्टैंड में बस पकड़ने। तो फाइनली गाइस हम लोग जो है बस पे बैठे हुए हैं, मेरे भाई है यार। अभी जो है हम लोग धरान जा रहे हैं गाइस। तो गाइस हम लोग जो है अभी धरान जा रहे हैं, फिलहाल हम लोग जो है बस में हैं और एक घंटा का टाइम लगेगा धरान जाने में, पहुंचने में। तो वहाँ ढोका में जाएंगे हम लोग, तो आपको दिखाएंगे वहाँ का भी नज़ारा कैसा है, ठीक है। आज तो गाइस डायलिसिस होने वाला है मेरा, मैं बहुत ही अपसेट हूँ। तो आपको नेपाल का नज़ारा दिखाते हैं इधर का, ठीक है। अभी गाइस ना वेट कीजिए, आगे दिखाते हैं ना। तो दोस्तों अभी जो हम लोग जो है इठहरी पहुंचने वाले हैं। दोस्तों हम लोग जो इठहरी आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हाफ एन आवर 45 मिनट और लगेगा।
गाइस हम लोग जो है इठौरी आ चुके हैं। ये है इठौरी का मेन चौक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो है बना हुआ है इधर, ठीक है गाइस। तो काफ़ी कमाल का जगह है, अगर आप इधर आते हैं, नेपाल आते हैं तो विजिट ज़रूर करें, ठीक है। ये है स्कूल का बस, ये है स्कूल का बस, ठीक है। और इधर हम लोग बस पे देख सकते हैं इधर कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब बना हुआ है, खाली बिल्डिंग है बिल्डिंग है। दोस्तों ये है धरान का सबसे बड़ा जंगल, ठीक है। धरान जाते वक्त जो है ये जंगल रास्ते में पड़ता है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका नज़ारा। यहाँ पे कब्र भी है, ठीक है। तो आदमी सब का कब्र यहीं पे दिया जाता है। तो इधर आप देख सकते हैं कितना बड़ा जंगल है। गाइस यहाँ पे जंगल जो है ये बहुत ही पुराना जंगल है, लगभग 100 साल पुराना, उससे भी ज़्यादा पुराना, ठीक है। एग्जैक्टली डेट मुझे मालूम नहीं, आपको थोड़ा दिखा दे रहे हैं। इधर का अभी रास्ता जो है दोस्तों ख़राब है, ठीक है, थोड़ा ख़राब है। तो अभी मरम्मत का काम चल रहा है। इधर गाइस जंगली जंगल है, बहुत ही बड़ा जंगल है गाइस, ठीक है, बहुत ही बड़ा जंगल है। तो इधर आप देख सकते हैं दोस्तों, मुझे बस के अंदर का दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। गाइस अगर आप कभी धरान आएंगे घूमने तो इधर विजिट जरूर कीजिएगा गाइस, ठीक है। ये जो जंगल है धरान जाते वक्त पड़ता है, इठौरी के बाद तरारा, तरारा के बाद ये जंगल पड़ता है, उसके बाद ये जो जंगल है गाइस, जब जंगल ख़त्म होगा तब धरान हम लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो जंगल भी काफ़ी कमाल का है गाइस, नेचुरल रिसोर्सेस बोला जाता है, ठीक है। तो धरान का जो वेदर है गाइस वो भी पूरा फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये है धरान का जंगल, तब से अब तक जो है चलते जा रहा है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वाइड एरिया में जो है, बहुत ही ज़्यादा एरिया में जो है ये फैला हुआ है गाइस। बहुत ही मोटा मोटा बड़ा बड़ा ट्रीज है, ठीक है। इसके अंदर भी अगर जंगल के अंदर बहुत ही खतरनाक चीज़ सब भी है, ठीक है। हम तो कभी गए नहीं है लेकिन होगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जंगल भी अपने आप में बहुत ही कमाल का ये धरान को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है दोस्तों, ठीक है। जंगल जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, जब ख़त्म होगा तब धरान हम लोग आ चुके होंगे, तो वहाँ पे आपको जाकर दिखाएंगे, ठीक है गाइस। तब तक लास्ट तक देखते रहिए हमारे इस ब्लॉग को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके न्यू सब्सक्राइबर बन जाइए। तो हम लोग नदी यहाँ पे पार कर रहे हैं, ब्रिज, ठीक है। इधर से धुआं भी निकलता है कि पानी निकल रहा। दोस्तों काफ़ी कमाल का जगह है गाइस, अगर आप नेपाल आते हैं तो इधर घूमने ज़रूर चले आइएगा एक बार धरान,
ठीक है। इधर आपको बता दें कि हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, काफ़ी नामी हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छा। तो इधर जो है शनि मंदिर है, ठीक है, जय हो शनि देव। तो गाइस अभी जो है हम लोग धरान पहुंचने वाले हैं, और जंगल जो है दोस्तों अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। सोचो मोबाइल में हम शूट कर रहे हैं, रियल लाइफ में दोस्तों एक घंटा से जंगल जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, ठीक है। जंगल। यहाँ पे मान्यता ये है कि गाइस आज से लगभग 100 साल पहले जो है इधर टाइगर, लायन, हिरन सब इधर आपको जंगल था, ठीक है। इधर बाघ भी चलता था, बाघ भालू सब था, ठीक है, आज से 100 साल पहले। लेकिन जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, आबादी बढ़ा, तो वो हो गया गाइस, सब डिसअपियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग धरान पहुँचने वाले हैं। अब गाइस आपको दिखाएंगे बस स्टैंड में, उधर पहुँचने के बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है, आगे का नज़ारा। तो गाइस हम लोग जो है फाइनली इधर धरान पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़, ठीक है। आपको जूम करके थोड़ा दिखाते हैं कि इधर जो है आप पहाड़ देख सकते हैं। मौसम जो है काफ़ी उदास है गाइस, नज़र आया पहाड़ आप देख सकते हैं। आपको और डिटेल में थोड़ा दिखाएंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे पहाड़ आप देख सकते हैं क्या, दोस्तों हम लोग जो है धारान पहुंच चुके हैं यहाँ पे, अभी बस स्टैंड में पहुंचने वाले हैं। दोस्तों ये रहा पहाड़, को बोलते हैं नेचुरल ब्यूटी, या ये है धारान, ठीक है। हम लोग धारान आ चुके हैं, अभी ये है बस स्टैंड। ऑल राइट, तो आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का जगह है गाइस। यहाँ पे धरान का टावर है, ठीक है, आपको दिखाते हैं, ये है टावर। ऑल राइट, धरान का क्लॉक टावर, ठीक है। तो ये धरान क्लॉक टावर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी कमाल का जगह है गाइस इधर, ठीक है। देखिए दोस्तों इधर आपको पहाड़ भी है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे रुके हैं, ये धरान का बस स्टैंड है, ठीक है, और हम लोग को राइट इधर जाना है भोपा कैंप, ठीक है। इधर। तो दोस्तों हम लोग उतर रहे हैं बस से, ठीक है। तो मेरा धरान का बस स्टैंड में, और हम लोग जो है जा रहे हैं भोपा कैंप, ठीक है, भोपा कैंप गाइस हम लोग भोपा कैंप जाने वाले हैं इधर, ठीक है, टेम्पू में चढ़ के गाइस। फाइनली ऑटो में बैठ चुके हैं और हम लोग जो जा रहे हैं उसको भोपा कैंप। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं अभी हम लोग धरान बस स्टैंड से जो है भोपा जा रहे हैं। तो इधर सिर्फ दुकान ही दुकान है, जहाँ देखो उधर सब दुकान ही दुकान है। बोले तो ये पूरा दुकान वाला जगह है, और इसके ऊपर पहाड़ काफ़ी मस्त जगह है गाइस। धरान अगर आप आते हैं तो इधर ये जो हॉस्पिटल है बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, इधर आप आना ना भूले, और सब चीज़ का इलाज यहाँ पे मिलता है आपको, बेस्ट से बेस्ट। दोस्तों आप जूम करके दिखा रहे हैं इधर का, ठीक है, जूम करके दिखा रहे हैं, इधर पहाड़ है, इसके ऊपर आप गौर करेंगे तो पहाड़ आपको दिखने को मिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है गाइस, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस, इसको बोलता है नेचुरल ब्यूटी। इधर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल पहाड़, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना बड़ा पहाड़ है।
होने वाले हैं। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर, एंटर कर चुके हैं और इधर जो है अंदर का नज़ारा। यहाँ पे सिक्योरिटी सब भी है। दोस्तों हम लोग जो है हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं। तो गाइस हॉस्पिटल में हम लोग आ चुके हैं और ये है हॉस्पिटल का अंदर का नज़ारा। आई तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है अंदर आ चुके हैं और इधर पे हम लोग जो है वेटिंग में हैं। तो गाइस हम लोग जो है अभी अंदर आ चुके हैं। तो गाइस हम लोग जो है फाइनली जो है ढोबा कैंप के अंदर जो है हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर चुके हैं और बाहर हम लोग जो है अभी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा देर के अंदर ही जो है मामा आने वाले हैं और हम लोग जो है एडमिट हो जाएंगे। स्पेशली मैं जो है एडमिट हो जाऊँगा, उसके बाद देखते हैं आगे मैं आपको क्या कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल लास्ट तक देखते रहिए गाइस। भोपा जो हॉस्पिटल है, बाहर का नज़ारा आपको थोड़ा दिखा दे रहे हैं कैसा कैसा है। ठीक है, इधर आते हैं, इधर सब गाड़ी सब पार्किंग है। ठीक है, इधर आदमी सब बैठा हुआ है, तो इधर हम भी बैठे हुए हैं, इधर मम्मी मेरा बैठी हुई है और इधर बाहर का नज़ारा काफ़ी कमाल का है। ठीक है, इधर ATM भी है। यहाँ पे आपको हम थोड़ा दिखा रहे हैं। ठीक है, इधर पार्किंग प्लेस है। यहाँ पे सिर्फ दोस्तों गाँच है। हाँ, काफ़ी मस्त एरिया है गाइस। यहाँ गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर इसके अंदर DPS स्कूल भी है। ठीक है, तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बिल्डिंग फ्लैट सब है इसके अंदर ही। ठीक है, भोपा कैंप के अंदर। तो आप अगर कोई डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता है तो बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। काफ़ी कमाल का एरिया है गाइस, अंदर बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी भी है और कोई डॉक्टर पढ़ाई करना चाहता है ये बेस्ट प्लेस है, बेस्ट एरिया है। ठीक है गाइस, वेदर काफ़ी फर्स्ट क्लास है और क्या बताए, लाइव विजिट कीजिए तब, बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है। यहाँ पे पहाड़ भी है गाइस इधर। ठीक है, तो इधर थोड़ा आपको जूम करके दिखा देते हैं, ये गांछी के उधर पहाड़ सब भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है,